सीबीआई की अदालत ने जैसे ही राम रहीम पर अपना फैसला सुनाया, वैसे ही राम रहीम के वकील बहानेबाजी करने लगे। खुद राम रहीम भी एक पर एक बहाने बनाकर बरगलाने की कोशिश की, लेकिन फैसला आखिर में वही आया जिसका सबको इंतजार था, 10 साल की सजा। सजा सुनाए जाने से पहले राम रहीम की आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर वह अदालत से रहम की मांग कर रहा था। वकील बार बार दलील दे रहे थे कि वो समाज सेवी हैं, इसीलिए नरमी बरती जाए। वकील ने यह भी कहा कि राम रहीम ने लोगों के लिए भलाई का काम किया है, लेकिन एक भी बहाने कोर्ट के सामने काम नहीं आए। एक बहाना तो ये भी बनाया गया कि राम रहीम सफाई अभियान और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य करते हैं। इधर सीबीआई इस फेर में थी कि राम रहीम को अधिकतम सजा यानी कि आजीवन कारावास हो। वैसे राम रहीम ने यह भी बताया कि उसे बैक पेन है और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। जांच एजेंसी का कहना था कि यह केस सिर्फ रेप केस नहीं है, बल्कि भरोसा तोड़ते हुए लगातार यौन शोषण का मामला है। आखिर में दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा का ऐलान किया है।